तो हम लोग आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। किसी भी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का बात कहाँ से आ गया। देखो कोई भी यूनिट सेल है तो उसमें जो फेस वाला एटम यहाँ पर रखिएगा तो फेस वाला एटम क्या सारा यहाँ एटम रखिएगा सारा इस रूम के अंदर में आ जाएगा। तो इस रूम में यहाँ जो एटम रखिएगा वो कितना शेयर होगा, आधा इधर होगा आधा बगल वाला यूनिट सेल में होगा। उसी तरह से जो कॉर्नर पे एटम रहेगा कॉर्नर, तो कॉर्नर में रहेंगे तो कॉर्नर वाला एटम का कितना पार्ट इस रूम के अंदर में आएगा, 1/8 आएगा नहीं। तो इफेक्टिवली का मतलब है कि भाई एटम तो हर जगह पे है। इसे सपोज करो एज सेंटर, एज सेंटर कहाँ है, एज सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे एटम क्या क्या न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस होगा एज पे। तो वहां पे जो एटम रहेगा पूरा का पूरा ऐसे एटम रहेगा। तो इस एटम का कितना पार्ट इसके अंदर आएगा, 1/4 कैसे आया भाई। जैसे ये रूम है, ये रूम है, इसके ऊपर में एक रूम है, बगल का रूम है, उसके ऊपर में एक रूम है। तो यहाँ जो एटम रखा रहेगा वो चारों रूम में ना ऐसे होगा। तो उस एटम का इफेक्टिवली इसके अंदर कितना आएगा, इसके अंदर इफेक्टिवली 1/4 आया। ठीक, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर निकालना हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर, इसको पढ़ेंगे हम लोग एनसी का मतलब। किसी यूनिट सेल में आपसे पूछेंगे कि भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट है, सारा मिला के, मैंने सारा मैंने यूनिट सेल का कॉर्नर पे सारा मिला के कितना एटम है। तो कॉर्नर कितना होता है, क्यूब का 8, तो इसके जगह 8 रखेंगे और कितना से शेयर्ड होता है, 8 से। तो इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड। समझ में आया ये वाला बात। इसे कॉर्नर वाला एटम है, एनसी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे सब मिला के टोटल एटम है, लेकिन इस टोटल एटम में इफेक्टिवली कितना आ रहा है, 1/8। तो 1/8 करेंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ एटम अगर एज पे रहेगा तो जी अब देखेंगे, कहेगा क्वेश्चन में कि एज पे इतना एटम है, एक एज एज पे है कि सारा एज, कितना एज होता है क्यूब में, क्यूब में कितना एज होता है, 12 होगा। तो एज बोलेगा कि कितना एज पे है, सारा एज पे है कि आधा एज पे है। तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, ये एज पे जो भी एटम होता है इफेक्टिवली 4 यूनिट से शेयर से शेयर होगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर डिवाइडेड बाई, और नंबर ऑफ एटम अगर बॉडी सेंटर पर रहें तो हम एक कॉमन फार्मूला बता दिए, लेकिन ये फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आप सब मिला करके हैं। लेकिन कोई यूनिट सेल दिया रहेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एटम हर जगह पे होना ज़रूरी है ना, हर जगह पे होना ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज करिए कि पहला हम बात कर रहे हैं 4 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ पे होता है, केवल कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर के अलावा एज पे भी, फेस पे भी और बॉडी सेंटर पे भी नहीं होता है। सिंपल क्यूबिक में होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो भाई कॉर्नर पे कितना आइटम होगा, कॉर्नर पे 8 होगा ना सर मिला के, हर कॉर्नर मिला के। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 8, तो यहाँ 8/2 और बाकी सब है ही नहीं तो 0। तो इफेक्टिव कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम बोल देंगे 4 BCC, तो BCC में एटम कहाँ कहाँ होगा, सारा कॉर्नर पे होगा, फिर बॉडी कॉर्नर पे कितना होगा सब मिलाकर, 8। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, एज पे होगा, फेस पे होगा जी, और बॉडी सेंटर पे, तो 1 का 1 मतलब सब मिला के ये जो एटम निकल रहा है भाई, कितना एटम निकला, कौन सा नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इन कभी कभी क्वेश्चन ध्यान रखना सबको, बार बार क्वेश्चन बनाते समय इफेक्टिव तो याद रखना ही पड़ेगा कि BCC का इफेक्टिव। इन कभी कभी बोल देगा कि आपको BCC यूनिट सेल बनाना है, अगर BCC यूनिट सेल का मॉडल बनाना है तो उसमें आपको टोटल कितना एटम चाहिए, कितना एटम चाहिए, 8 कॉर्नर वाला एक बॉडी सेंटर रहेगा तब ना बनेगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट होगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन मन में कन्फ्यूजन हो जाए। तीसरा पॉइंट FCC में, तो FCC में कॉर्नर पे होगा कितना, 8/8, एच पे होगा 0, फेस पे होगा
कितना फेस पे होगा? छो फेस पे होगा, तो सिक्स बाई, और बॉडी सेंटर पे होगा, इफेक्टिव कितना होगा? तो इफेक्टिव इतना होगा। इन सेंटर क्यूबिक में, इन सेंटर क्यूबिक में, हाँ हम बोले थे कि क्यूबिक में इन सेंटर होता ही नहीं है, तो गलत क्वेश्चन। क्यूबिक में इन सेंटर, क्यूबिक में तीन ही होता है, एक सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ऐसे होगा। ठीक, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गया, इसको कॉपी करिए जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को ही दूसरा हम लोग पैकिंग इफिशियंसी भी बोला जाता है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी बताएगा ना आपको किसी सॉलिड का, कि कोई भी सॉलिड है तो उस सॉलिड में कितना परसेंट स्पेस खाली है और कितना परसेंट स्पेस एटम के द्वारा घिरा हुआ है। आपको हम बोले थे कि कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड इज अ क्लोजेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, मल्टी लेयर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, तो बीच बीच में खाली जगह होता है, और बीच बीच में खाली जगह होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना खाली कितना कम है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसमें एटम कैसे अरेंज किया है, एटम के ऊपर एटम रखा है कि बीच बीच में जो गैप है उस पे रखा है, उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ एटम बदलते रहता है नहीं। तो उसी के बारे में पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन है क्या होगा, इसको कैसे डिफाइंड करेंगे? तो पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। जरूरी है कि यूनिट सेल ले, पूरा सॉलिड नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। हम बोले थे कि जो पूरा यूनिट सेल का प्रॉपर्टी होगा वही सॉलिड का प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो जनरली हम लोग पढ़ते समय किसको लेते हैं, आप अगर पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन सॉलिड भी ले सकते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए सॉलिड का, उस सॉलिड में उसमें एटम कितने हैं काउंट करना पड़ेगा, तो सारा एटम का वॉल्यूम वहाँ भी निकालिएगा, तो जो यूनिट सेल का प्रॉपर्टी होगा वही पूरे सॉलिड का प्रॉपर्टी होगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर ऊपर में यूनिट सेल है तो यहाँ भी, अगर ऊपर में सॉलिड होगा तो नीचे भी सॉलिड होगा। तो इससे पता चलेगा ना, पैकिंग फ्रैक्शन से पता चलेगा कि किस तरह का अरेंजमेंट में एटम ज़्यादा क्लोज पैक है और किस तरह का एटम के अरेंजमेंट में जगह ज़्यादा खाली है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना परसेंट एटम के द्वारा एक उपाई है, उसी को कह देगा वॉइड फ्रैक्शन, वॉइड फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, पैकिंग का मतलब एटम के द्वारा घिरा हुआ जगह। तो उसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे भाई, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला तो बताइए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो उसमें रूल फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम। तो बताओ तो यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते थे, आठ, कितने, एक ना। अरे सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर पे एटम है तो इफेक्टिव कितना हुआ, एक हुआ, तो एक एटम का वॉल्यूम तो वन इंटू, एटम स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यू, जहां आर रेडियस ऑफ द एटम्स विच फॉर्म सिंपल क्यूबिक, और डिवाइडेड बाई क्या है आपका, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर एज लेंथ है, एज लेंथ ए है तो उसका ए क्यू। अब इन दोनों में कोई रिलेशन था क्या आर और ए में, तो आर और ए में रिलेशन था सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में भी, एफसीसी में भी, तो सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन था, 2R इक्वल टू ए, कैसे इसको याद करते थे, तो सिंपल क्यूबिक में बोले थे खाली कॉर्नर पे एटम होगा तो दो कॉर्नर वाला एटम आपस में कॉन्टेक्ट में होगा, तो इसको रिलेशन लिख सकते हैं ना इसमें ऐसे 2R इक्वल टू, तो यहाँ रिप्लेस कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यू और यहाँ पे, ठीक, तो आर आर कैंसिल, आर क्यू कैंसिल, तो बच जाएगा कितना देखो तो भाई, पाई बाई सिक्स बचेगा, तो पाई बाई सिक्स को, पाई का मतलब 3 को डिवाइड करो तो वैल्यू 0.52 लगभग होगा, देखिए
होगा ना, तो 0.52 का मतलब हो गया पूरे, अगर यूनिट सेल को 1 मानिएगा तो उसका 0.52 फ्रैक्शन स्पेस एटम के द्वारा घिरा हुआ है। इसको अगर परसेंट में बदलिएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह 52% जो आएगा वो क्या निकलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन। और 52% क्या इंडिकेट करेगा, कि इंडिकेट करेगा कि अगर कोई सॉलिड सिंपल क्यूबिक टाइप का अरेंजमेंट से अगर कोई सॉलिड बना है तो उस सॉलिड में 52% स्पेस एटम से घिरा हुआ होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी पता चलेगा कि 48% स्पेस फ्री स्पेस होगा, कौन सा अरेंजमेंट में, अगर वह सॉलिड सिंपल क्यूबिक टाइप का अरेंजमेंट क्या होगा तो उसमें ऐसा होगा, नहीं सिंपल क्यूबिक ऐसा होगा, बीसीसी वाला जैसा सोचो अपने से करो इसको कॉपी करने के बाद। पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन अगर लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, तो हम सब जानते हैं बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 × 4/3 πr³ और नीचे aq। तो आप बताइए कि भाई इसमें r और a में क्या रिलेशन था, तो 4r = √3a। कैसे सोचते थे इसको, बीसीसी में एटम बॉडी सेंटर पे होगा और बॉडी सेंटर में कॉर्नर वाला एटम डायगोनली कॉन्टेक्ट में होगा, तो कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है वहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो उधर से इधर r, बीच में जो एटम होगा उसका 2r, उधर वाला कॉर्नर का r, नहीं तो इसको रिलेशन रख दीजिए तो भाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 2 × 4/3 πr³ a का वैल्यू रखना है तो इसको यहाँ भेजेंगे ना, तो 4r π³, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने से r³ कैंसिल, √3 π/8 आना चाहिए और इसको डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.68, मतलब परसेंट लिखिएगा तो 68% स्पेस एटम के द्वारा घिरा हुआ है, तो फ्री स्पेस कितना होगा, फ्री स्पेस यानी कि वैसा सॉलिड जिसका अरेंजमेंट बीसीसी टाइप होगा उसमें टोटल एटम के द्वारा घिरा हुआ जगह 68% परसेंट में फ्रैक्शन में 0.68 और फ्री स्पेस आपका 32% होगा जो सॉलिड बीसीसी टाइप अरेंजमेंट होगा। ठीक, तीसरा हम अगर बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो एफसीसी में इफेक्टिव 4 एटम था, इफेक्टिव 4 एटम कैसे था भाई, तो कॉर्नर वाला एटम का इफेक्टिव कितना होता है 1, सारा कॉर्नर का इफेक्टिव मिला के, और 6 फेस है तो 6 फेस का मतलब 6 एटम का आधा 3 एटम, तो कॉर्नर का इफेक्टिव हो गया 1 और फेस वाला का इफेक्टिव 3, तो 3 × 1 = 4 एटम 4/3 πr³ और नीचे होगा aq। इसमें r और a में क्या रिलेशन, कैसे सोचेंगे, तो फेस डायगोनली था, तो फेस डायगोनली में तो सबको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे √2 तो आएगा ही, बट यहाँ क्या होगा जी, तो फेस डायगोनली में 2r होगा कि 4r होगा, कैसे, तो कॉर्नर वाला एटम होगा वहां पे r और बीच वाला एटम होगा उसका 2r, नीचे वाला का कॉर्नर का r, तो यहाँ पे होगा 4r, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, होगा ना, इसको यहाँ रख दीजिए तो 4 × 4/3 πr³ नीचे। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, r³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3√2 ऐसा होगा, अच्छा लो ई होगा, सोच लो तो √2 ऊपर होगा, लो भाई √2 π/3 कि π/6, π/3 √2
नीचे थ्री होगा, ऊपर नहीं। हाँ चलो इसको डिवाइड करो कितना होगा भाई, कैलकुलेट करो। इसको सॉल्व करिएगा तो 0.74 आएगा, परसेंट में लिखेगा तो 74% एटम स्पेस एटम से घिरा हुआ होगा तो फ्री स्पेस होगा, परसेंटेज फ्री स्पेस तो परसेंटेज फ्री स्पेस 26% होगा। अगर कोई सॉलिड एफसीसी टाइप का अरेंजमेंट होगा तो एफसीसी टाइप का अरेंजमेंट में आपको जो एट सॉलिड होगा उस सॉलिड का 74% स्पेस एटम के द्वारा घिरा होगा और उसमें 26% स्पेस खाली स्पेस होगा। और एफसीसी का ही दूसरा नाम क्या बताए थे आप लोग को, सीसीपी, क्यूबिक में क्लोज पैक। देखो ध्यान सुनिएगा, जितना भी क्यूबिक आया सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था 52%, बीसीसी का कितना आया और एफसीसी का कितना आया, तो किस सॉलिड में एटम ज़्यादा क्लोज पैक रहा, ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन है कि मतलब पूरे सॉलिड का 74% स्पेस एटम के द्वारा घिरा है, मतलब यहाँ पे एटम क्लोज पैक है। तो जब क्लोज पैक है इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैक। क्लोज पैक में कैसा है, क्यूबिक है ना, वही एक आगे हम पढ़ेंगे हेक्सागन क्लोज पैक एससीपी, तो भी क्लोज पैक है लेकिन हेक्सागन में है, यानी किस में है, क्यों क्लोज पैक बोल रहे हैं, क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन सारा क्यूबिक से हाईजेस्ट है ना। तो नीचे में लिखने के बाद एक कॉमी लिख ली भी दीजिएगा कि एफसीसी इज ऑल्सो नोन एज सीसीपी बिकॉज इट्स पैकिंग फ्रैक्शन इज हाईजेस्ट, मतलब इसका पैकिंग फ्रैक्शन सारे यूनिट सेल से जितना भी है क्यूबिक में सबसे ज़्यादा है सीसीपी का, इसलिए इसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक। एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एज ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल का याद करो, हम बोले थे कि बीसीसी यूनिट सेल का एज में सारा पूरा का पूरा एज में एटम से घिरा हुआ रहता है कि कुछ खाली रहता है, बीसीसी में बीसीसी ऐसा बनाया था ना डायग्राम, तो बीसीसी में ऐसा डायग्राम बनाए थे तो हम बोले थे कि बीसीसी में भाई जो सेंटर पे एटम रहेगा बीच में जो रहेगा तो डायगनली कॉन्टैक्ट में इधर से इधर होता है, यहाँ वाला जो एटम होता है यहाँ वाला एटम हुआ बीच में तो खाली जगह होता था ना, तो खाली जगह इसका मतलब एज का 100% एटम के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, एज में कुछ तो खाली है, तो उसी का एज का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है बीसीसी का। इसको निकालिए सब लोग सोचिए, तो इसको कैसे सोचेंगे, देखो पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान सुनिएगा, पूछा क्या गया पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना फ्रैक्शन एज का एटम के द्वारा घिरा है, तो बताओ पूरा एज ए है यहाँ से यहाँ ए है ना, तो पूरा एज ए है तो इसमें आर आर कितना स्पेस एटम से द्वारा घिरा हुआ, कितना एज 2R घिरा हुआ है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब वही ना होगा जी, पैकिंग फ्रैक्शन एज का पूछ रहे तो जो पार्ट जो एज का जो पार्ट घिरा हुआ है एटम के द्वारा तो कितना घिरा हुआ है और पूरा डिवाइडेड बाई पूरा एज, यही ना करेंगे तो डिवाइड बाई पूरा एज का मतलब ए होगा ना। अब सवाल है कि ए और आर में रिलेशन आता है हम लोग को, तो ए और आर में क्या था 4R इक्वल टू, तो ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2R डिवाइडेड बाय 4R यहाँ √3 1.73/2 कितना हो रहा है, पॉइंट 865। ये क्या निकला आपका पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बीसीसी का एज का। अब बोलिए सर एक ठोका ही निकाले, अरे भाई फ्रैक्शन है ना तो सब लीजिएगा, सारा एज लीजिएगा यहाँ तो सारा एटम का एज लेना पड़ेगा नहीं, तो आपका ये जो वैल्यू निकला कि पूरा का पूरा एज का 0.865 फ्रैक्शन स्पेस लीनियरली एटम के द्वारा घिरा है, परसेंट में अगर चेंज करिएगा तो 86.5
5% एज जो है वह एटम से घिरा हुआ है, तो फ्री स्पेस कितना होगा? फ्री स्पेस कितना होगा? तो फ्री स्पेस अगर निकालिएगा तो फ्री स्पेस किसका, तो कितना होगा? 13.5% होगा, होगा ना? तो एज का इतना होगा भाई। ध्यान सुनना, यहां पे क्या पूछेगा आपसे, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है तो पैकिंग फ्रैक्शन, अगर एज फ्रैक्शन पूछता अगर तब पूछता, सॉरी एज फ्री फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, पैकिंग की जगह पूछता कि कितना परसेंट एज का स्पेस खाली है, तो क्या निकालते हैं? तो यहां लिखते हैं एक्स, तो एक्स खाली जगह है डिवाइडेड बाई ए। या आप ऐसे ना निकालते, ऐसे ही निकाल लीजिए, माइनस कर ले, बात एक ही है। अरे इतना जगह स्पेस के घिरा हुआ है तो खाली है, माइनस कर लेंगे, ऐसे भी ऑप्शन है। या खाली बोलेगा तो तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं, कभी कभी बुक में क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा तो ऐसे देख के लगेगा ये तो नया टाइप का दिख रहा है, अरे है वही, ऊपर में हम एक्स लिख दिए, तो खाली जगह निकलेगा ही है ना।